हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मीनाक्षी राघव। वेलकम बैक टू अवर ईएफई एकेडमी जयपुर। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल पीटीआई बैच में। आज हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। इसके बारे में आज हम समझने वाले हैं कि लॉ ऑफ मोशन होता क्या है, लॉ ऑफ मोशन कितने प्रकार के होते हैं, और लॉ ऑफ मोशन किसने दिया, कौन सी बुक थी जो प्रथम टाइम गति के नियम के बारे में जिसने डिस्क्राइब किया था। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम किन्होंने दिया था। तो आंसर हमारा होगा न्यूटन। किन्होंने दिया था? न्यूटन साहब जी ने लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया था, गति के नियम के बारे में बताया था उन्होंने। साथ में हमारा ग्रेविटी, उन्होंने एक, आपने देखा होगा कि उनके दिमाग में कैसे आया था, एक सेब गिरा था, वो नीचे की तरफ गिरा था, तो उनको ये लगा ये सेब नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, ऊपर भी जा सकता था, राइट में भी जा सकता था, लेफ्ट में भी जा सकता। तो सबसे पहले उन्होंने ग्रेविटी के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? ग्रेविटी के बारे में बताया। फिर उन्होंने देखा कि ग्रेविटी के साथ साथ फोर्स और मोशन में भी बहुत ज्यादा संबंध है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, गति के नियम के बारे में बताया। आइए देखते हैं गति के नियम। जो हमारा इतिहास है, सबसे पहले उन्होंने कब दिया था गति के नियम? 1686। कब दिया था? 1686 से लेकर 1687 में। आप लोग सोच होंगे यहाँ पर दो क्यों बताया गया है, क्योंकि बहुत गूगल में तो 86 दिया हुआ है, बट बहुत सारी बुक में 87 दिया हुआ है। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन आता है तो आपको 86 और 87 का अगर कॉम्बिनेशन आता है तो आपको दोनों में टिक करना है। कि कौन सी बुक में दिया था? प्रिंसिपिया। कौन सी बुक में दिया था? प्रिंसिपिया। समझ आया? क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी बुक में गति के नियम को बताया गया था, तो हमारा आंसर क्या होगा? प्रिंसिपिया। मैथमेटिक एक बुक थी जिन्होंने बताया था कि गति के नियम के बारे में बताया था कि गति के कितने नियम होते हैं, तीनों नियम को डिस्क्राइब किया था। ये देखते हैं प्रथम नियम के बारे में। प्रथम नियम, लॉ ऑफ इनिशिया, इसको जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि जड़त का नियम कौन सा लॉ होता है, तो आपका आंसर होगा प्रथम नियम होता है जड़त का। इसमें क्या बताया है, एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें बताया है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी। वो अगर यहाँ पर ये बॉल पड़ी है तो ये ऐसी पड़ी रहेगी, मैं 10 साल बाद आऊं देखूं, 5 साल बाद देखूं, तो वो इसी पोजीशन में आपको मिलेगी। कब तक? कंडीशन डाली है न्यूटन जी ने, कब तक? जब तक उसमें कोई बाहरी बल ना लग जाए। कब तक? जब तक उसमें कोई बाहरी बल ना लग जाए, जब तक वो अपनी पोजीशन पे ही रहेगी। जैसे बॉल है, मैंने यहां से फोर्स लगा दी, मतलब मैंने किक किया बॉल को, क्या किया? किक कर दिया, बल लग गया। बल लगा तो ये क्या की? मूव, एक्सीलेट, ने क्या किया? मोशन ले लिया। उसी को जड़त का नियम बोला गया है। दूसरी चीज क्या बोली थी न्यूटन जी ने इसी में? तो उन्होंने बोला था कि अगर कोई वस्तु चल रही है तो चलती ही रहेगी, कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी। बट कब तक? जब तक उसमें कोई बाहरी, जो बाहर का बल है वो ना लग जाए। अगर वो लग गया तो वो जो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट थी वो खत्म हो गई, वो मोशन में आ गया। तो न्यूटन जी ने यही बताया है कि अगर कोई वस्तु अपनी पोजीशन पे है, रेस्टिंग पोजीशन पे है, विराम अवस्था पे है, तो उसी अवस्था में रहेगी जब तक उसमें कोई भारी बल ना लग जाए। और एक और चीज बताई थी, अगर वो गतिशील एक समान गति से जा रहा है तो उस गति में ही रहेगा जब तक कोई बाहर की फोर्स उसमें ना लग जाए। आइए देखते हैं, समझते हैं थोड़ा एग्जांपल के साथ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बॉल है, यहाँ पे इसने क्या किया, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बॉल है, ये क्या है? रेस्ट पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे? विराम अवस्था पे है, रेस्ट पोजीशन पे। तो ये इसी रेस्ट पोजीशन पे रहेगी जब तक उसमें कोई बल ना लग जाए। सेकेंड इमेज आप देख रहे हैं, इसमें क्या किया न्यूटन जी ने बताया कि हमने इसमें बल लगा दिया। क्या लगाया हमने? इसमें बल लगा दिया।
तो जो हमारी रेस्ट की पोजीशन थी, विराम अवस्था थी, वो क्या हो गई? छिड़ गई। उसने क्या किया? एक्सीलेशन ले लिया। क्या किया उसने? एक्सीलेशन ले लिया। ये पहली कंडीशन बताई कि अगर कोई वस्तु एक जगह पर है तो एक जगह पर ही रहेगी, कब तक? जब तक उसमें फोर्स ना लगा दे। दूसरी कंडीशन बताई कि ये वस्तु गतिशील है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है और एक ही स्पीड से चल रही है। स्पीड एंड डायरेक्शन क्या है इसका? सेम है। वो जब तक चलती रहेगी जब तक उसमें कोई भारी बल ना लग जाए। जैसे ये रुकावट बन गया, भारी बल लग गया, तो आपकी जो ये बॉल है वो क्या हो गई? रुक गई। तो गतिशील अवस्था को किसने स्टॉप किया? भारी बल ने। भारी बल लगाया, उसका जो स्पीड थी वो धीरी हो गई और आगे जाकर वो थम गई, रुक गई। तो प्रथम नियम में यही बताया। आइए देखते हैं जड़त्व। हमने बोला था कि जो प्रथम नियम है, जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। आखिरकार जड़त्व है क्या? लॉ ऑफ इनिशिया बोला जाता है। इनिशिया है क्या? इनिशिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा गुण है कि वो चाहती है कि अगर मैं एक पोजीशन पे हूं, अगर मैं एक पोजीशन पे हूं तो मैं इसी पोजीशन पे रहूं, मुझ में कोई परिवर्तन ना हो। अगर परिवर्तन हो रहा है तो मैं क्या करूंगी? उसका विरोध करूंगी। उसको क्या बोला गया है? जड़त का नियम। जैसे कि आपने देखा होगा, ट्रेन में देखा होगा कि आप एक पोजीशन पे ऐसे बैठे हैं, एकदम से ब्रेक लग गया, बस में बैठे हैं और एकदम से ब्रेक लग गया, तो आप क्या करेंगे? आपका जो ये निचला भाग है वो क्या है? आराम की अवस्था में है, और जो ऊपर वाला भाग है वो क्या हो जाएगा? गति अवस्था में हो जाएगा, गति में आ जाएगा। तो आपको एक झटका आएगा, आप आगे की तरफ जाएंगे। तो उसी को क्या बोला है? जड़त्व। क्या करता है जड़त्व? कहता है कि मैं जिस कंडीशन में हूँ, जो मैं अवस्था में हूँ, मैं उसी में रहना चाहता हूँ, और अगर मेरे में परिवर्तन हो रहा है तो मैं उसका विरोध करूंगा। जब तक मेरे में दम है मैं जब तक उसका विरोध करूंगा। बट बल ज़्यादा होने के बाद क्या होता है? वो उसको अपनी कंडीशन, जो उसकी अवस्था है, उसको त्यागना पड़ता है और वो एक्सीलेट कर जाता है। उसको ही बोला है जड़त्व। देखा जाएगा इसमें तीन प्रकार हैं, आराम, दिशा और गति। तीनों में एक जैसी बात बोली गई है। अगर देखा जाए क्या बताया गया है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कौन सी कंडीशन में है? आराम, आराम से लेटा हुआ है। ये क्या चाहेगा? जो ये मेरी पोजीशन है मैं इसी पोजीशन में रहूं, मुझे नहीं मतलब दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे तो बस अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है। अगर मैंने इसमें कोई बल लगाया, इस ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं राम। राम क्या चाहेगा? कि भाई मैं अपनी पोजीशन ना छोड़ूं, मुझे तो इधर ही बैठने में मजा आ रहा है। अगर मैं कोई फोर्स लगाती हूँ तो राम क्या सोचेगा? कि जो बल आया है उसका मैं विरोध करूं, जो मेरे में परिवर्तन होने वाला है इस बल के कारण, मैं उसको रोकने का अभ्यास करूं। बट बल इतना ज्यादा होता है कि जो इसकी पोजीशन है वो दूसरी पोजीशन में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को बोला गया है आराम का जड़त्व। दूसरा देखते हैं, इसमें किसकी बात की गई है? दिशा की बात की है। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु एक डायरेक्शन में जा रही है, मानते हैं एक तितली ली हमने, ठीक है, वो ऐसे ऐसे करके जा रही है, ठीक है, वो जब तक इसी पोजीशन में जाएगी जब तक कोई बाहरी बल ना लग जाए, वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ना चाहती है, बट मजबूर होके क्या करना पड़ता है? यहां से आंधी आ गई, बल आ गया, इस तितली को क्या करना पड़ेगा? अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। वो चाहती तो नहीं है बट मजबूरन होके जो बाहरी बल लग रहा है उसके कारण उसको अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज करना पड़ेगा, दिशा में परिवर्तन आएगा। तीसरा देखते हैं गति। इसमें क्या है कि एक ऑब्जेक्ट, हम कार ले लेते हैं, कि गति का एग्जांपल कार से सबसे अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, एक कार है,
ये कार स्पीड से चल रही है, देख लेते हैं, 1 किलोमीटर 2 मिनट में पूरा कर रही है, ठीक है, और इसी स्पीड में चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। फिर देखा बीच में ब्रेकर आ गया, ने क्या किया, ब्रेक लगाए, ब्रेक क्या है, भारी बल, तो इसकी स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई, उसकी गति क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले वो दो मिनट में 1 किलोमीटर कर रही थी, फिर उसका क्या हो गया, 3 मिनट में हो गया, तो उसने क्या किया, गति में परिवर्तन किया, उसको हम क्या बोलेंगे, गति का जड़प। ये कार चाहती तो नहीं थी, वो चाहती थी कि मैं जिस गति में जा रही हूँ मैं उसी गति में जाऊँ, मुझे नहीं मतलब, बट क्या हुआ, एक ऐसी कंडीशन पैदा हो गई, ऐसा बल आया कि उसको अपनी स्पीड को, उसको अपनी गति को चेंज करना पड़ा। समझ आया? अब हम समझते हैं, कंक्लूजन देखते हैं कि प्रथम लॉ का नियम जो हमारा था न्यूटन जी का, उसका मतलब क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्टिंग पोजीशन में है तो वो जब तक चेंज नहीं होगा जब तक कोई एक्सटर्नल यानी कि बाहरी बल उस पर ना लगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जैसी स्पीड से चल रहा है तो उसी स्पीड में चलना चाहेगा, बट अगर कोई बाहरी बल उसमें लगता है तो उसकी गति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ आया? अब आप समझते हैं न्यूटन का दूसरा नियम, दूसरे नियम की बात कर, इसको हम संवेग का नियम भी बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हमने पढ़ा था प्रथम नियम को कौन सा, किस नाम से जाना जाता है, जड़त के नियम के नाम से जाना जाता है। इसको हम किसके नाम से जानते हैं, संवेग के नियम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, संवेग के नियम से जानते हैं। आइए देखते हैं ये होता क्या। सबसे पहले हम एग्जांपल से समझेंगे, फिर हम परिभाषा में जाएंगे, ठीक है। देखते हैं दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दो वस्तु हैं या फिर दो इंसान ले लेते हैं, दोनों का वजन मतलब भार सेम है, क्या है, भार सेम है। एक इंसान पे जो हमारे ये ऑब्जेक्ट था उसमें हमने 50 न्यूटन की फोर्स लगाई, कितने न्यूटन की फोर्स लगाई, 50, और दूसरे ऑब्जेक्ट पे हमने क्या किया, 100 न्यूटन की फोर्स लगाई। अब आप बताइए क्या होगा, जहां पर फोर्स ज्यादा लगी है प्लस जो जहां पर फोर्स ज्यादा लगी है वो ज्यादा एक्सीलेट करेगा, ज्यादा दूरी तय करेगा, जहां पर आपका बल कम लगा है वो क्या करेगा, दूरी कम तय करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा यहां पर देखिए, जो ये मास है, जो हमने ये भार की बात की है, आप देख सकते हैं जो ये भार है वो कम है एज कंपेयर टू इससे, इसका भार ज्यादा है, हमने फोर्स अप्लाई की तो ज्यादा दूर तक कौन सा जाएगा, जिसका भार कम है, क्या है, जिसका भार कम है वो ज्यादा दूर तक जाएगा, और जिसका भार ज्यादा है वो कम एक्सीलेट करेगा। न्यूटन जी यही बताते हैं, न्यूटन जी दो कंडीशन की बात करते हैं। न्यूटन जी क्या बोलते हैं कि आप जितना ज्यादा बल लगाएंगे, क्या कर बोलते हैं, जितना ज्यादा आप बल लगाएंगे उतना आप दूरी एक्सीलेट इंक्रीज करेंगे। ध्यान से सुनना, न्यूटन जी क्या बोलते हैं, जितना आप बल लगाएंगे वस्तु पर आप उस वस्तु को उतना दूर तक ले जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर कोई वस्तु, एक ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी बढ़ना चाहिए, अगर एक ऑब्जेक्ट आपका कम हो रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी घटना मतलब कम होना चाहिए। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ आया? न्यूटन जी ने क्या बोला, आप जितना फोर्स जितनी बल लगाएंगे ऑब्जेक्ट उतना ही दूर जाएगा, उतना ही एक्सीलेट करेगा। अगर मुझे फुटबॉल मेरे पास आती है, अगर मैंने फुटबॉल को जितना ज़्यादा फोर्स लगाऊंगी वो उतनी दूरी ज़्यादा कवर करेगा, और मैं जितना कम बल लगाऊंगी उतनी कम दूरी तय करेगा।
एक और बात बोलते हैं न्यूटन, दूसरी बात क्या बोलते हैं न्यूटन जी, देखा जाएगा। न्यूटन जी बोलते हैं जितना ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा मास होगा उतनी कम दूरी तय करेगा। पहले में क्या बोला, जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी दूरी तय करेगा। दूसरे में उन्होंने क्या बोला, जितना मास ज्यादा होगा उतना हमारा एक्सीलेशन कम होगा। ये हमारा मास है, ये हमारा एक्सीलेशन है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक का भार हम 100 केजी लेते हैं, दूसरे का भार हम 50 केजी लेते हैं, और दोनों में एक अमाउंट की फोर्स लगाते हैं। इसमें भी हमने कितने न्यूटन की लगाई, 50 न्यूटन की बल लगाया। इसमें भी हमने कितने न्यूटन का बल लगाया, 50 न्यूटन का बल लगाया। अब आप बताएं कौन सी वस्तु ज्यादा दूर तक जाएगी, कौन सी वस्तु ज्यादा दूर तक जाएगी बताएं। जिसका मास, जिसका द्रव्यमान कम था वो ज्यादा दूर तक जाएगा, और जिसका द्रव्यमान अगर देखा जाए ज्यादा था तो वो क्या करेगा, कम दूरी तय करेगा। एक तरफ हम हाथी लेते हैं तो एक तरफ हम कुत्ता लेते हैं, हमने दोनों को एक एक जैसी ताकत लगाई, एक जैसा बल लगाया, तो दूर कौन जाएगा, कुत्ता जाएगा, और कम एक्सीलेट कौन करेगा, क्योंकि हाथी का वजन इतना ज्यादा है कि हम उस फोर्स में को एक्सीलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, कम दूरी तय करेगा। देखते हैं डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या बोल रही है कि यदि कोई बल किसी वस्तु को प्रभावित करता है, मैंने क्या बताया, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने फोर्स लगाई, समझना, मैंने बल लगाया, तो ये क्या करेगा, एक्सीलेट करेगा, क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मूव हो जाएगा, एक्सीलेट करेगा, ठीक है। यही इन्होंने बोला है, यदि कोई बल किसी वस्तु को प्रभावित करती है तो वह वस्तु क्या हो जाता है, एक्सीलेट हो जाती है, एक्सीलेशन में आ जाती है। और क्या बोला है, सेकंड लाइन क्या बोली है, देखिए, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ने क्या बोला है, फोर्स समानुपाती है। समानुपाती का मतलब क्या है, जितना ज्यादा हम बल लगाएंगे उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट एक्सीलेट होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोजिशनल। और जितना उसका द्रव्यमान अधिक होगा वो उतना ही कम एक्सीलेट करेगा। इसी की बात की है दूसरे नियम में न्यूटन जी ने, इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, संवेग का नियम भी बोलते हैं। किसका नियम बोलते हैं, संवेग का नियम बोलते हैं। कभी कभी इसको लॉ ऑफ एक्सीलेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ एक्सीलेशन। आइए देखते हैं आगे। आगे हमने अभी बात की थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हम इससे दर्शाते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर ए वस्तु आपकी बढ़ रही है तो बी वस्तु भी आपकी बढ़ेगी। अगर आप फोर्स बल ज्यादा लगा रहे हैं तो आप एक्सीलेट भी ज्यादा करेंगे। समझ आया। सेकंड कंडीशन कौन सी होती है, अगर आप बल कम लगा रहे हैं, अगर आप बल कम लगा रहे हैं तो क्या होगा, एक्सीलेट भी आप कम करेंगे। ये एरो एक ही दिशा में होने चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोजिशन। अब आते हैं हम इनवर्सली, इसमें उल्टा होता है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घटती है, अगर दूसरी चीज बढ़ रही है तो पहली वाली चीज क्या होगी, घट जाएगी। देखिए आप क्या बोला है, मतलब अगर पहली राशि बढ़ेगी तो दूसरी राशि आपकी ऑटोमेटिकली घट जाएगी, अगर पहली राशि घटेगी तो दूसरी राशि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसमें एरो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए। आइए बात करते हैं यहां पर हम तीसरे नियम के बारे में।
तीसरा नियम क्या बोलते हैं, तीसरे नियम का नाम क्या है, क्रिया और प्रतिक्रिया। इसमें क्या बोलता है न्यूटन जी, क्या बोलते हैं कि जितना फोर्स आप लगाओगे उतना ही फोर्स वापस आएगा। मैंने क्या बोला, जितना फोर्स आप लगाओगे उतना ही फोर्स वापस आएगा। जैसे कि मैंने एक टेनिस की बॉल ली, मैंने नीचे टेनिस की बॉल को फेंक के मारा, तो हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी सतह है, वो उतना ही बल रिटर्न करेगी। समझ आया? मैंने क्या बोला कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पे बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पे समान और विपरीत बल लगाएगी। मैंने ऐसे बल लगाया, नीचे की तरफ बल लगाया बॉल फेंक के, सतह ने क्या किया, ऊपर की तरफ बल लगाया और सेम था बल का। देखिए, समझते हैं, यहां पे देखिए आप, ये हमने स्विमिंग का एग्जांपल लिया हुआ है। यहां पर वॉल है, जो जो बिगनर्स होते हैं, जो नई नई स्विमिंग सीखने के लिए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, इस वॉल में फोर्स लगाओ। तो उसने फोर्स किस साइड लगाया, इस साइड। फोर्स किस साइड लगाया, सपोज करते हैं उसने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितने न्यूटन का फोर्स लगाया, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। वॉल ने क्या किया, रिप्लाई दे दिया, भाई मैं क्यों पीछे रहूं, मुझे भी रहना है। उसने भी क्या किया, 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। जो ये लड़की है वो आगे की तरफ क्या हो गई, इस तरफ एक्सीलेट हो गई, इस तरफ आगे की तरफ बढ़ गई। इसको क्या बोला गया है, क्रिया और प्रतिक्रिया। यहां से क्रिया हो रही है और अपोजिट डायरेक्शन से उसको फीडबैक मिल रहा है। समझ आया? इसमें ये चीज बताई गई है कि जो डायरेक्शन होती है दूसरी वस्तु की वो अपोजिट होती है। अगर मैं बल नीचे की तरफ लगा रही हूं तो जो हमारी सतह है वो ऊपर की तरफ बल लगाएगी, बट समान बल लगाएगी, एक जैसा बल लगाएगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे कि आप टेनिस देखते हैं, टेनिस खेला भी होगा, टेनिस में अगर हम जो बॉल है उसमें हम जितना तेज टेनिस घुमाएंगे उतनी तेज बॉल जाएगी। समझ आए? जैसे कि रॉकेट देखिए, रॉकेट जब रिलीज होता है तो क्या करता है, नीचे की तरफ फोर्स जाती है, वो क्या करता है, ऊपर की तरफ रॉकेट को भेज देता है। ये किसका नियम है, तृतीया का नियम में आता है। आगे देखते हैं, जैसे कि अच्छा ये बताइए, जो डायग्राम है वो किस नियम का डायग्राम है, किस लॉ में आता है? किसी व्यक्ति ने या किसी क्रिकेटर ने बॉल को अपनी तरफ खींचा, अगर कैच आता है तो क्या करते हैं, वो बॉल को अपनी तरफ खींचते हैं, स्पीड को डिक्रीज करते हैं। तो ये जो डायग्राम है वो किस लॉ में आएगा, फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा या फिर थर्ड में आएगा? सोचें, इसका सही आंसर होगा सेकंड। इसने क्या किया, अपनी जो फोर्स थी, जो बॉल की स्पीड थी, बॉल की स्पीड को क्या किया, उसने कम कर दिया। तो उसको क्या होगी, चोट कम लगेगी। जैसे कि आप हाई जंप देखते हैं, लॉन्ग जंप देखते हैं, लॉन्ग जंप में रेत का क्यों उपयोग किया जाता है, रेत का उपयोग क्यों किया जाता है? न्यूटन थर्ड ने क्या बोला है कि जिस बल से आप प्रहार करेंगे मैं उतना ही दमदार प्रहार करूंगा। तो आप जिस बल से उस सतह पे गिरेंगे तो वो भी तो आपको क्या करेगा, विपरीत दिशा से बल देगा, तो वहां पर चोट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर हम एक सरफेस ले लें। इसलिए इसका रेत का इस्तेमाल होता है कि उस जो फोर्स है उसको रिड्यूस कर पाए, उसको रिड्यूस कर पाए और जो खिलाड़ी लोग हैं उनको चोट कम लग पाए। आइए देखते हैं, जैसे कि ये बच्चा है, आपने देखा ये बॉल है। अगर सपोज करते हैं जो न्यूटन जी ने बताया है क्रिया प्रक्रिया के बारे में, कि जो भी हम बल लगाते हैं वो हमें बल वापस आता है हमारे पास सूत्र समेत। सपोज करते हैं ये नहीं होता, अगर मैंने ये बॉल नीचे फेंक दी होती, क्या ये बॉल वापस आती? नहीं आती। क्या ये बॉल वापस आती? नहीं आती। ये जो
बॉल की बात की जा रही है तो वो रिटर्न नहीं आती अगर ये एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट, आपने सुना होगा इंग्लिश में क्रिया और प्रतिक्रिया। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जितनी फोर्स हम लगाते हैं उतनी फोर्स हमें वापस आती है, ठीक है। इस कंडीशन में अगर सपोज ये कंडीशन नहीं होती तो हमारी जो बॉल है वो सतह पे ही रह जाती। इसमें देखिए, इसमें ये नियम लागू हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति बॉल नीचे ड्रॉप कर रहा है 100 न्यूटन की फोर्स से, तो रिटर्न भी कितने न्यूटन की फोर्स से आएगा? 10। बस इसका डायरेक्शन, जो उसकी दिशा है वो बदल गई है, ये बोला गया है। आइए एक बार कंक्लूड करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, एक बच्चा है के पास बास्केटबॉल है, इसको क्या करना है, इस जो बॉल है उसको यहाँ पर फेंकना है। वैसे तो बास्केट करना है बट सोचते हैं कि बास्केट नहीं हुआ, उसने 100 क्या किया, उसने 100 न्यूटन की फोर्स लगाई और वो फोर्स कहाँ पे टकरा गई, इस सतह पे टकराई, जो आपने बोर्ड देखा होगा, क्या किया, इस सतह पे टकराई जो आप देख रहे हैं, जो ये सतह वो रिफ्लेक्ट देगी सेम न्यूटन से, बस उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, जैसा कि हम अभी पढ़ी रहे हैं। अगर फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाई है जो मुझे ये मिल रहा है ये इस डायरेक्शन में मिलेगा, विपरीत है दिशा, आप देख सकते हैं। अब हम कंक्लूड करते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या, बहुत छोटा सा बेसिक टॉपिक था बट हमारे फिजिकल एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने क्या पढ़ा था, कितने प्रकार के लॉ होते हैं, 3 नियम बताए हैं, किसने, न्यूटन साहब ने, कौन सी बुक में बताए हैं, प्रिंसिपा। प्रथम नियम क्या बोलता है, प्रथम नियम का मतलब क्या है, जड़त का नियम। दूसरे नियम का मतलब क्या है, संवेग का नियम। जो हमारा थर्ड लॉ होता है वो क्या है हमारा, क्रिया और प्रतिक्रिया। पहले हमने लॉ में क्या समझा कि अगर कोई वस्तु एक जगह पर है, अपनी पोजीशन में है, तो वो अपनी पोजीशन में ही रहेगी। अगर वो रेस्टिंग पोजीशन पे है तो वो अपनी रेस्टिंग पोजीशन पे ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल ना लग जाए। जैसे ही उसमें कोई बाहरी बल लगेगा उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, यही हमारे न्यूटन जी ने प्रथम लॉ में बताया है। एक और कंडीशन रख दी थी न्यूटन जी, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम गति से चल रहा है तो वो चलता ही जाएगा जब तक बाहरी बल उस पर ना लगे, जब तक वो चलता ही जाएगा। ये किस में बात हुई है, प्रथम नियम में बात हुई है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को किसके नाम से भी जाना जाता है, संवेग के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सीलेशन भी बोला जाता है, इंग्लिश में लॉ ऑफ एक्सीलेशन बोला जाता है। उन्होंने क्या बोला, आप जितनी फोर्स लगाओगे उतना एक्सीलेशन होगा, उतनी आप डिस्टेंस, उतनी आप दूरी तय करेंगे। अगर आपने कम फोर्स लगाई तो जो हमारा एक्सीलेशन है, त्वरण है, वो भी कम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एरो समझ आ रहा है। सेकेंड लॉ में क्या बोला, अगर आप बल ज्यादा लगा रहे हो तो एक्सीलेट भी ज्यादा करोगे, अगर आप बल कम लगा रहे हो तो आप एक्सीलेट भी क्या करोगे, कम करोगे। समझ आए। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है न्यूटन जी ने, अगर आपका मास ज्यादा है, आपका भार ज्यादा है, आपका द्रव्यमान ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, एक्सीलेट कम करोगे। क्या बोला, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि अगर आपका भार ज्यादा है, सिंपल लैंग्वेज समझेंगे, आपका अगर भार ज्यादा है 500 kg भार है आपका, मैंने इस पे फोर्स लगाई और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका भार केवल 100 kg है, और मैंने क्या किया, दोनों पे कम एनर्जी लगाई, दोनों पे एक समान एनर्जी लगाई, कितनी, 50 न्यूटन दोनों पे ले लिया। जो भारी वस्तु है वो कम दूरी तय करेगी, जो हल्की वस्तु है वो ज्यादा दूरी तय करेगी। समझ आए।
क्या बोला है न्यूटन जी ने? न्यूटन जी ने सेकंड लॉ में यही बोला है कि जितना ज्यादा भार होगा उतना आप कम एक्सीलेट करेंगे, जितना कम भार होगा उतना आप ज्यादा एक्सीलेट करेंगे। एक और कंडीशन बोली, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा एक्सीलेट, जितना कम फोर्स लगाएंगे उतना कम एक्सीलेट करेंगे। आइए देखते हैं थर्ड नियम में हमने क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा, ये क्रिया और प्रतिक्रिया का मतलब है कि जितना हम फोर्स लगाएंगे, जितना फोर्स हम एक ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो उतने ही फोर्स हमें रिप्लाई करेगा। बस क्या हो जाएगी, हमारी जो दिशा है, जो हमारा डायरेक्शन है वो बदल जाएगा। क्लियर हुआ? आज हमने क्या पढ़ा? गति के नियम। कल हमने क्या पढ़ा था? किनेसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उत्तोलक। किनेसियोलॉजी के टॉपिक चल रहे हैं। आज तक हम लोग कितने टॉपिक कवर कर चुके हैं? 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं। कल आने वाले टाइम पर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखेंगे और बल देखेंगे, बल होता क्या है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ गति के नियम आपको समझ आए होंगे। थैंक यू क्लास।